हे गाइज, वेलकम बैक। इफ़ यू आर न्यू हियर, माई नेम इज तनुश्री। वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ आई क्रिएट दिस लुक। एंड आज का जो प्रोडक्ट है वो एक PR पैकेज है फ्रॉम PAC। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच PAC फॉर सेंडिंग मी सच एन अमेजिंग प्रोडक्ट। मैं आप लोगों को एकदम स्टार्टिंग से दिखाने वाली हूँ गाइज, लाइक अनबॉक्सिंग से लेके फिनिशिंग लुक तक। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना। एंड आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से उन्होंने गिफ्ट पैक करके भेजा है और मुझे बहुत पसंद आया। एंड इसका आउटर पैकेजिंग भी बहुत खूबसूरत है। ये है PAC स्टूडियो HD कंसीलर। एंड सी, बहुत शेड्स है, जस्ट वाओ। तो बहुत शेड्स है, आपके फेस के स्किन के हिसाब से आप लोग अपना शेड चूज़ कर सकते हैं। एंड उन्होंने मुझे 3 शेड्स भेजे हैं, लाइट, मीडियम एंड डार्क। तो आज मैं आप लोगों को यही प्रोडक्ट यूज़ करके दिखाने वाली हूँ। एंड पूरा मेकअप मैं PAC का ही बाकी प्रोडक्ट से ख़त्म करने वाली हूँ, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना। एंड वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, कमेंट एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर ज़रूर करना गाइज। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अभी जो मैं शेड यूज़ करने वाली हूँ उसका नाम है शीशम। और ये शीशम को लेके मैं अभी अपने डार्क सर्कल्स एंड पिगमेंटेशंस एंड स्पॉट्स वगैरह जो जो फेस में है उसको हाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन जितना मुझे समझ में आया, दिस शेड इज़ बेस्ट फॉर फेयर टू मीडियम स्किन टोन। उनके और भी बहुत शेड्स हैं जो लॉन्च हुए हैं, लाइक वाइट एश, लाइट ब्लश, पाइन वुड, शीशम, येल्लो महोगनी, सहारा, चॉपस्टिक्स, 3 AM लाटे, फ्रेश ब्रू एंड कैफ। मेरे प्रॉब्लम्स जो है फेस में वो ऑलमोस्ट हाइड हो चुके हैं, लेकिन शीशम से अगर 2 शेड डार्कर शेड से अगर मैं कंसीलिंग करती तो रिजल्ट जो है और भी बेस्ट आता। ये भी बेस्ट ही है। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्टेप, अभी मैं फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ, PAC HD फाउंडेशन। एंड इससे मैं अपने फेस को बहुत अच्छे से कवर कर लूँगी। आफ्टर ब्लेंडिंग माई फाउंडेशन वेरी सिमलेसली अभी मैं हाईलाइट करने वाली हूँ अपने फेस पे। एंड हाईलाइट के लिए मैंने शीशम एंड वाइट एश को यूज़ किया है। अगर मैं 2 शेड अप कलर से अगर मैं कंसीलिंग करती हूँ तो मेरे जो डार्क सर्कल्स एंड पिगमेंटेशंस वगैरह है वो एशी दिख सकते हैं। मीन्स इसका जो फिनिशिंग है वो ग्रेइश टाइप का फिनिशिंग आएगा। तो इसीलिए मैंने पहले अपने ही स्किन शेड का जो हाईलाइटर है उससे मैंने पहले उस स्किन को इवन किया है प्रॉपर। एंड उसके बाद वाइट एश से, मीन्स लाइटर कलर से, जस्ट जहाँ जहाँ मुझे लाइट चाहिए फेस में वहाँ वहाँ अच्छे से अप्लाई करके मैं फिर ब्लेंड कर लूँगी, तो फेस मेरा लिफ्टेड लगेगा। ये एक क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट है, सो यू कैन यूज़ योर फिंगर और ब्रश टू पिकअप। एंड बहुत इजीली फेस पे ग्लाइड ऑन होती है, सो ब्लेंडिंग भी बहुत स्मूथ होती है। एंड इसका फिनिशिंग जो है वो बहुत नेचुरल एंड फ्लॉलेस आती है। ये एक मल्टी फंक्शनल प्रोडक्ट है, मीन्स इसको आप कंसीलर की जैसे भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप चाहो तो इसको एज अ बेस भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इसका जो डार्कर शेड है उससे आप कंटूर भी कर सकते हैं। इसको आप एज अ फिनिशिंग बेस भी यूज़ कर सकते हैं फॉर ब्राइडल मेकअप। एंड इस कंसीलर को आप डार्क सर्कल्स हाइड करने के लिए, स्पॉट्स हाइड करने के लिए, अंडर आई बैग्स के लिए और आईब्रोज को परफेक्ट शेप देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपना फेस भी ये कंसीलर से ही कंटूर किया है, जो डार्क कंसीलर है उससे कंटूर किया है। एंड इसका शेड नेम है फ्रेश ब्रो। बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है फॉर सीमलेस फिनिशिंग। ये एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है, सो इट लास्ट फॉर 12 आवर्स डूइंग एंड वंडरफुल जॉब एट बोथ स्मूथनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। बहुत अच्छे से स्मूथ रखता है फेस को एंड मॉइस्चराइज रखता है। ये एक हाई कवरेज प्रोडक्ट है लेकिन फेस पे बिल्कुल भी फील नहीं होती है बिकॉज ये बहुत लाइट वेट प्रोडक्ट है। ये एक वाटरप्रूफ प्रोडक्ट है, सो हम लोग इसको इजीली समर्स में यूज़ कर सकते हैं। एंड जो स्किन में स्वेटिंग ज़्यादा होती है जिन लोगों के स्किन में, वो स्किन में भी ये बहुत परफेक्टली जाएगा। एंड इट इज़ आल्सो क्रीज फ्री प्रोडक्ट। दिस इज़ अ जेम ऑफ अ प्रोडक्ट। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एंड फिनिशिंग भी आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा। एंड और हाँ, ये जो प्रोडक्ट है ये क्रुएल्टी फ्री है, अल्कोहल फ्री है, वेगन है एंड कंटेन नो एलर्जिक इन्ग्रीडियंट्स इन इट। ये एक 10 out of 10 प्रोडक्ट है फ्रॉम माई साइड। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। आप लोग इसको यूज़ करके देख सकते हैं, ट्राई करके देख सकते हैं। जो मेकअप आर्टिस्ट है उनके लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट है, बेस क्रिएट करने के लिए भी एंड कंसीलिंग के लिए भी।
सो अभी मैं अपने फुल फेस को लॉक करने के लिए PSC का माइक्रो फिक्सर यूज़ करने वाली हूँ एंड इससे मैं अपना पूरा लुक जो है वो एकदम फिक्स एंड सेट कर लूँगी। एंड उसके बाद मैं PSC का ही ये एक बेक्ड हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ फॉर हाईलाइटिंग। आफ्टर हाईलाइटिंग मैं आई मेकअप करने वाली हूँ एंड आई मेकअप जो है आज मैं ट्यूटोरियल में डिटेल्स में नहीं दिखाने वाली हूँ गाइज, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है आज का जो पूरा फोकस है वो PSC स्टूडियो HD कंसीलर के ऊपर है। सो मैंने जस्ट कुछ कुछ पार्ट्स जो है आई मेकअप का वही दिया है। फॉर माई ब्राउज टूडे आई एम गोइंग टू बी यूजिंग PSC ब्राउ डिफाइनर एंड नाउ आई एम यूजिंग वाइट एश टू इंश्योरिंग द परफेक्ट ब्राउ शेप। ब्लेंड वेल फॉर अ सिमलेस फिनिश एंड आज मैंने आई मेकअप भी PSC का आई शेडो पैलेट से ही किया है। आज का जो आई लुक है वो मैंने स्पॉटलाइट किया है विदाउट कटिंग माई क्रीज, क्रीज को कट किए बिना ही मैंने आज स्पॉटलाइट आई लुक क्रिएट किया है। सो आप लोग भी सीख सकते हैं, मैंने मेन जो स्टेप्स है वो मैंने ऐड कर दिया है। आज का जो लुक मैंने क्रिएट किया है वो आप लोग बोथ इंडियन एंड वेस्टर्न आउटफिट के साथ इजीली कैरी कर सकते हैं। आई होप आज का ये ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा गाइज। एंड आई लाइनर, काजल एंड फॉल्सेस अप्लाई करने के बाद आज का जो लुक है वो एकदम कम्प्लीट हो चुका है। सो दिस इज माई फाइनल लुक गाइज, आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू डिड देन प्लीज गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड हाउ यू लाइक दिस लुक ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड इफ यू फील दैट दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू then please share my tutorial with your friends and families. I will see you soon with a brand new one. Till then, bye guys.